हाय एवरीवन। सो आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जो उसके बारे में मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, बट काफ़ी लोग काफ़ी सरल और आसान रास्ते पर चलना चाहते हैं, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बट ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है मेहनत का काम नहीं है, सिंपल काम है, बट आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मेहनत का काम है। आज मैं बात करने वाला हूँ कोड फॉर गवर्नमेंट टेक की, जिसकी हायरिंग अपॉर्चुनिटी मैंने ऑलरेडी डाली थी। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसकी डेडलाइन में केवल 15 दिन रह गए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस वीडियो में बेसिकली आपको प्रपोजल सबमिट करना कैसे है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसमें करना क्या है, आगे मूव कैसे करें, जबकि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी कम कंपटीशन रहेगा इसमें और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इसमें, ठीक है। और इसके थ्रू डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड और उसके बाद कन्वर्टेबल जॉब देखने को मिल सकती है। सो प्लीज़ इसको आप सीरियसली लें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। आपको इसको करने के लिए केवल 3 दिन का समय लगाना है, 3 दिन केवल। अगर आपने 3 3 3 घंटे दे दिए, विच इज़ टोटली 9 आवर्स, तो आप इसमें बहुत अच्छा प्रपोजल बना के सबमिट कर सकते हो, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, बट आपको 3 घंटे लगाने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं कि प्रपोजल आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी एसटी में मैंने काफी सारी देखी हुई है, मैंने काफी जगह पर कंट्रीब्यूट भी किया हुआ है, तो मैं जरूर आपको इसमें बताना चाहूंगा कि कैसे आप इस चीज को आगे लेकर जा सकते हो। सो लेट सी ऑल द डिटेल्स एंड प्रपोजल सबमिशन के आप इस टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये अपॉर्चुनिटी है कोड फॉर गवर्नमेंट टेक, आई होप आप लोगों ने इसमें रजिस्टर किया ही होगा, अगर नहीं किया तो आप कर सकते हो। सबसे पहले इसमें हमारा काम है एक प्रपोजल सबमिट करना, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप 3 प्रपोजल भी सबमिट कर सकते हो, जिससे आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा प्रपोजल होंगे उतने ही ज्यादा सिलेक्ट होने का चांस होगा, मैक्सिमम 3 प्रपोजल आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब सबमिट कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर ज्वाइन करना है डिस्कॉर्ड ग्रुप, ठीक है। और डिस्कॉर्ड ग्रुप आप ज्वाइन आपने एक बार कर लिया, उसके बाद आप वेरियस मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हम मेन चीज पर जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट द प्रोजेक्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप भी मेरे साथ 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 में करते चले जाइए। सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक हियर पे ये वाली लिस्ट देखनी है, यहां पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो जो कि लिस्ट हैं। अब जो ऊपर वाले प्रोजेक्ट है ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से उठाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नीचे से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि जितने नीचे से अगर आप प्रोजेक्ट्स देखोगे उतने ज्यादा यहां पर चांसेस बनते हैं कि आपको मतलब कम लोगों की उस पर नजर पड़ेगी, ठीक है। और जो भी आपका टेक स्टैक है आप उसको चूज कर सकते हो, जैसे कि यहां पर हम किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करते हो, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या होने वाला है। जैसे कि लेट्स चूज दिस टेकड़ी, अभी मैं आपके सामने लाइव यहां पर दिखा रहा हूं जो भी मैं कर रहा हूं, इसका मैंने पहले से कुछ भी नहीं देख के देखा है, मैं आपको लाइव ही एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। सो यहां पर आप प्रोजेक्ट का नाम पढ़ सकते हो, जैसे कि यहां पर टेकड़ी लिखा हुआ है। इसका काम क्या करने वाला है, ये लिखा हुआ है वर्चुअल असिस्टेंट बनाना है, और यहां पर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ रिटेनिंग पाइपलाइंस टू इंप्रूव बॉट रिस्पॉन्स, ये यहां पर काम करना है। मेंटर विनीत उपाध्याय है, टेक स्टैक पाइथन है। सो आपको क्या करना है, लिंक से आपको ओपन कर देना है। इसी प्रकार से आप और भी प्रोजेक्ट्स को देखोगे, लाइक अगर आप इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर टास्क मैनेजर बनाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो A2I बांग्लादेश कंपनी का नाम है, यहाँ पर भी मेंटर्स का नाम लिखा हुआ है और टेक स्टैक लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप और भी यहाँ पर कंपनीज देख सकते हो, ये सारी कंपनीज के नाम है, लाइक NSUT है, NSUT को आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे, NSUT इज काफी बढ़िया कॉलेज ऑफ इंडिया, सो यू कैन ट्राई टू सी दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो ऐसे यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, जिनका भी टैग स्टैक अगर आपको समझ में आ रहा है, सो जिनकी प्रोजेक्ट आपको मतलब डेफिनेशन समझ में आ रही है कि क्या करना चाहते हैं, वो आप चूज कर सकते हो। सो लेट्स पिक दिस वन ऑल्सो, इम्प्लीमेंटर ऑफ फ्रेंडलीनेस ऑफ अवनी। सो इस प्रोजेक्ट को भी हम एक बार ओपन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 1 घंटे तक केवल ये समझना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी होगी, जैसे इसमें लिखा है कि अवनी एक NGO है। अब NGO वो क्या चीजें करा रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ वेरिफिकेशन, मेटा डाटा माइग्रेशन, ये मैं आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ, मैंने भी अभी नहीं देखा, आपके सामने मैंने ओपन किया है। एंड इम्प्रूव यूजिबिलिटी ऑफ CSV अपलोड फीचर ऑन अवनी, ठीक है। एंड मिसलेनियस लाइक वेरिफिकेशन एंड फिक्शन लाइक फिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एबिलिटी टू रिमूव फास्ट सिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे मल्टीपल इन चीजें लिखी हुई हैं जो ये लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले आपको इसको गो थ्रू करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और ये मैं आपको कहूंगा जितना आप 3-4 दिनों में सीखोगे ना, आप बहुत ज्यादा सीखोगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको नई स्किल्स लर्न करने में। सो आप यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हो कि आखिर ये लोग चाहते क्या, ठीक है। जैसे ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये लोग क्या करवाना चाहते हैं, आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले समझ जाओगे। लाइक सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइज हेल्थ वेरिफिकेशन। सो हेल्थ वेरिफिकेशन को आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, लाइक इनकरेक्ट इन डेटा, डुप्लीकेट फॉर्म मैपिंग, सब्जेक्ट टाइप्स, फीचर्स,
आइडेंटिफिकेशन सेटिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन सभी को काम करने में अगर आप हेल्पफुल साबित हो गए, आप पर वो स्किल्स हैं जो आप की स्किल्स से द्वारा आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हो, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, या आप सब कुछ पढ़ोगे, आपको समझ में आ गया कि भैया क्या क्या करना है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। गोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या गोल्स हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, रिड्यूस मिस्टेक्स एंड रीवर्क, इंप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस, मतलब बेसिकली यही है कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है बट आपको उसको और मतलब उसके सारे बग्स निकालने हैं, ठीक है, मेन काम ये है। सेटअप एंड इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेटअप का डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो, मतलब जितनी भी चीज जो इन लोगों ने प्रोवाइड कराई है आप देख सकते हो कि आपको सेटअप कैसे बनाना है, ये यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, ओपन सोर्स में है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर पाओगे तो आप देख सकते हो काफी बच्चे ऑलरेडी इसमें कमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, सो ऐसे आप भी कमेंट कर सकते हो दैट यू यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर प्रोजेक्ट टू यू, ओके। सो जैसे ये प्रोजेक्ट है ऑटो सबटाइटल फॉर इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कहना ये है कि तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज और कन्नड़ा लैंग्वेज में इनको फाइल्स जनरेट करनी है सबटाइटल्स के लिए, तो ये उसके ऊपर काम कर रहा है कि सबटाइटल्स जनरेट कर रहा है, तो आई थिंक ये इजी है समझने में, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, तमिल तेलुगु और कन्नड़ा में इनको चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई, मशीन लर्निंग के इंप्लीमेंटेशन से ये चीज करना चाहते हैं, कैसे इसका क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट कम क्या होगा, कि टेक्स्ट फाइल जनरेट होनी चाहिए यूएफ T8 एनकोडिंग में, जो कि हमें हमारी जनरल एनकोडिंग होती है, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि जो VLC मीडिया प्लेयर है वो टाइम एक्यूरेसी चेक करेगा आपकी SRT फाइल की। तो सपोज आपको अगर ये प्रोजेक्ट समझ में आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर पाओगे, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, आप मेंटर को तो टैग कर ही सकते हो, बट यहां पर आपको क्या करना है, प्रपोजल सबमिट करना है। अब प्रपोजल सबमिट करने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिंक दी गई है, क्लिक हियर, ठीक है, और यहाँ से आप प्रपोजल को ओपन करोगे। अब इस प्रपोजल सबमिशन में आपको करना क्या है, सारा गाइडेंस वैसे दिया हुआ है, तब भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू मेंशन इज, यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रपोजल है, सो प्रपोजल डिटेल्स, नेम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स, तो ये आप सबमिट करोगे, सो ये बेसिकली एक डॉक है, सो आपको डॉक फॉर्मेट में सबमिट करना है। टाइटल डालोगे, अ गुड टाइटल शुड बी कॉन्सीज कंसीज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और रीडर को आपकी समरी पढ़े, अवॉइड इंक्लूडिंग योर नेम इन द टाइटल, टाइटल में अपना नेम मत डालना, ये चीज उसमें लिखा हुआ है, सो रीडर टू रीड योर समरी, सो बेसिकली टाइटल में आपको कुछ ऐसा डालना है कि रीडर कुछ अट्रैक्ट हो, देन समरी में आता है स्टार्ट द प्रपोजल, सेंस समरी में आता है स्टार्ट द प्रपोजल विद शॉर्ट समरी डिस्क्राइबिंग योर अप्रोच टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट ब्रीफली, ठीक है। सो समरी में आपको क्या चीजें मेंशन करना है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आप शॉर्ट में कैसे अप्रोच करोगे, वो चीज यहां पर आपको समरी में डालनी है। प्रोजेक्ट डिटेल्स में टू प्लान योर प्रोजेक्ट इफेक्टिवली क्रिएट अ क्लियर स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स माइलस्टोन एंड डेडलाइंस, लेबल ईच डिलीवरेबल एज आइदर रिक्वायर्ड और ऑप्शनल, यू मे चूज टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट विद अ व्हाइट पेपर और फॉलो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड, डॉट इंक्लूड टू इंक्लूड टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन इन योर शेड्यूल, deliverables should cover investigation, coding and documentation, ठीक है। So project details में आपको ये mention करना है कि आपने project में जो भी details पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी details पढ़ी हैं आपने project में, आप उसको कब तक submit कर पाओगे, ठीक है, और आपका क्या plan रहेगा, आप क्या date तक उस चीज को cover करने की कोशिश करोगे जिसमें आपकी research, coding और documentation सब कुछ include होगा, ठीक है। So आप ये जैसा इसमें mention किया है, आप उस हिसाब से ये सारी चीजें mention कर सकते हो। अवेलेबिलिटी में आपको यह बताना है कि जून से सितंबर में आप अवेलेबल हो कि नहीं हो, और अगर कोई भी बीच में अवेलेबिलिटी हटती है तो आप वहां पे इस चीज को बता दोगे, ठीक है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, कंट्रीब्यूशन टू ओपन सोर्स कम्युनिटी, वो सब छोड़ो। यहां से प्रपोजल का फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको नेम डालना है, आईडी डालना है, फोन नंबर, गिटअप आईडी, डिस्कॉर्ड आईडी डालना है, अपना करंट वर्क एक्सपीरियंस आपका जो भी है, जितनी भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, देखो ये जो ओपन सोर्स वाली चीजें है ना, ये प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है भर भर कर प्रोजेक्ट डालना है, भर भर कर जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है भर भर कर डालो इसमें, ठीक है। और आगे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, टेक्निकल स्किल्स डालनी है, फिर यहां पर आपको टाइटल डालना है, समरी डालना है, प्रोजेक्ट डिटेल्स, अब यहां पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम इफ एनी एंड सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहां पर आपको डालना है जो भी आपको समझ में आया, जैसे कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को गो थ्रू किया, उसको पढ़कर आपको जो भी चीजें समझ में आई वो आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू में डालना है। इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स में आपको डालनी है माइलस्टोन कि आप उस चीज को कब तक अचीव कर पाओगे। अवेलेबिलिटी में आप ये फिल कर सकते हो कि आपको मतलब कितने आवर्स हैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अबाउट भी मैं आपको अपने बारे में लिखनी है, दो तीन लाइनें, उसके बाद प्लीज मेंशन इफ यू हैव सॉल्व्ड एनी इशू ऑफ दिस और अदर, सी अगर आपने इस प्रोजेक्ट का कोई भी इशू ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है या
कोई भी कोड फॉर गवर्नमेंट टेक के प्रोजेक्ट अगर आपने कर रखे हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी का नीचे भी सेक्शन दिया गया है, प्रीवियस एक्सपीरियंस ओपन सोर्स, वो उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसमें आप अपना प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर कोई होस्टिंग की लिंक है तो आप वो डालोगे। सो इस फॉर्मेट में आपको प्रपोजल सबमिट करना है, जो कि यहाँ से दिया गया है, यहाँ से इस जगह से आपको प्रपोजल फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके एक फाइल बनानी है, इन विच यू नीड टू सबमिट द प्रपोजल। दो तीन दिन आराम से लो, दो तीन दिन आराम से एक बार स्टडी करके प्रपोजल को सबमिट करो, एंड लेट्स सी अगर आपको इंटरव्यूज आते हैं या नहीं आते हैं। सो मेरे हिसाब से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।